नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में क्लर्क एग्ज़ाम पोस्ट कोड 484 के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, तो आप वहां जाके भी ज़रूर देख सकते हैं। अब हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा 61वां क्वेश्चन है, RTI एक्ट एम्स एट 2 RTI अधिनियम का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। यह ऑप्शन बी, सार्वजनिक स्थानों पर सरकार द्वारा सूचना प्रदान करना। यह ऑप्शन सी, सूचना प्राप्त व्यक्ति द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान करना। यह ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए। तो RTI अधिनियम का जो उद्देश्य है वह सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करना होता है। 12वां क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटी डू नॉट एंजॉय एनी, मौलिक कर्तव्य कोई भी हो खालिस्तान प्राप्त नहीं करते हैं। ऑप्शन ए, सामाजिक स्वीकृति। या ऑप्शन बी, नैतिक स्वीकृति। या ऑप्शन सी, राजनीतिक स्वीकृति। या ऑप्शन डी, विधिक स्वीकृति। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। जो मौलिक जो कर्तव्य हैं वो कोई भी विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन इन द रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंश्योर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सुरक्षा। या ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एकता। या ऑप्शन सी, आर्थिक समानता। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एकता। 14वां क्वेश्चन है, हाउ हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंस्ट्रक्टिव टर्म्स, कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे थे। ऑप्शन ए, बी गिरी। या ऑप्शन बी, आर वेंकटरमण। या ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो 2 अवधि तक लगातार उपराष्ट्रपति जो रहे हैं वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 20वां क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्री परिषद सामयिक रूप से उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। या ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। या ऑप्शन सी, लोकसभा। या ऑप्शन डी, राज्यसभा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के सामयिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। 6वां क्वेश्चन है, हाउ वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ प्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। या ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। या ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। 17वां क्वेश्चन है, जापान पार्लियामेंट इज नोन एज, जापान की संसद को कहते हैं। ऑप्शन ए, डाइट। या ऑप्शन बी, डेल। या ऑप्शन सी, सोरा। या ऑप्शन डी, युआन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जापान की संसद को डाइट कहते हैं। 18वां जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के 27 सदस्य कितने हैं। ऑप्शन ए, 220। या ऑप्शन बी, 230। या ऑप्शन सी, 240। या ऑप्शन डी, 250। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा के 27 सदस्य 250 होते हैं। आप राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको याद रखें, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन इनसे पूछा ही जाता है। 69वां क्वेश्चन है, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है। ऑप्शन ए, मीरा कुमार। या ऑप्शन बी, विजय लक्ष्मी पंडित। या ऑप्शन सी, सुजेता कृपलानी। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम स्पीकर है। प्रथम और लास्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। 17वां क्वेश्चन है, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंट फर्स्ट इन, केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए, लोकसभा में। या ऑप्शन बी, राज्यसभा में। या ऑप्शन सी, संसद के संयुक्त सत्र में। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह भी आप जरूर ध्यान रखें। 71वां क्वेश्चन है, हाउ प्रिसाइड द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। या ऑप्शन बी, लोकसभा स्पीकर। या ऑप्शन सी, राज्यसभा के अध्यक्ष। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। 72वां क्वेश्चन है, अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम एन एक्ट आफ्टर, संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बन जाता है। ऑप्शन ए, दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद। या ऑप्शन बी, अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद। या ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री से हस्तांतरित होने के बाद। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद बन जाता है। 13वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है। ऑप्शन ए प्रकालन समिति, ये ऑप्शन बी याचिका समिति, ये ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, ये ऑप्शन डी लोक उपक्रम समिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए प्रकालन समिति जो है वो संसद की सबसे बड़ी समिति है। 74वां क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंजॉयज भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन ए मौलिक क्षेत्राधिकार, या ऑप्शन डी परामर्शी क्षेत्राधिकार, या ऑप्शन सी अपीलीय क्षेत्राधिकार, या ऑप्शन डी मौलिक अपीलीय और परामर्शी क्षेत्राधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अपीलीय और परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 75वां क्वेश्चन है, हाउ कैन अपॉइंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेज, कौन एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल, या ऑप्शन बी केवल राज्यपाल, या ऑप्शन सी लोक सेवा आयोग से परामर्श करके राज्यपाल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। 76वां क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, या ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा, या ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री नियुक्त तो जो होता है वो राज्यपाल द्वारा होता है। 77वां क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई। ऑप्शन ए 1969 में, या ऑप्शन बी 1965 में, या ऑप्शन सी 1952 में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 1969 में लागू की गई। 78वां क्वेश्चन है, द कंकरंट लिस्ट कंटेन समवर्ती सूची में समाविष्ट हैं। ऑप्शन ए 52 विषय, या ऑप्शन बी 40 विषय, या ऑप्शन सी 42 विषय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए समवर्ती सूची में 52 विषय समाविष्ट हैं। 79वां क्वेश्चन है, हाउ एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर, विधिक मामलों में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है। ऑप्शन ए महान्यायवादी, या ऑप्शन बी विधि आयोग के अध्यक्ष, या ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए विधिक मामलों में भारत सरकार को महान्यायवादी परामर्श देता है। 80वां क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्पोक आर देयर इन धर्मा चक्रा अशोक चक्रा डिपेक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रध्वज में चित्रित धर्मचक्र जिसे कि अशोक चक्र कहते हैं में कितने आरे होते हैं। ऑप्शन ए 16, या ऑप्शन बी 20, या ऑप्शन सी 24, या ऑप्शन डी 32। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रध्वज चित्रित धर्मचक्र जिसे कि अशोक चक्र कहते हैं उसमें 24 आरे होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे क्लर्क एग्ज़ाम पोस्ट कोड के 80 क्वेश्चन कम्प्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।